नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं वनमाईलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं सी टेन न्यूज। देखते हैं जनपद से जुड़ी खास खबरें। फिरोजाबाद जनपद के शुकोहाबाद में सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह माता सावित्री बाई फूले सेवा समिति द्वारा हाईवे रोड स्थित नौशहरा के प्रधान विक्रम सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कुशवाहा मार्केट पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिरसागंज विधायक हरिओम यादव के पुत्र विजय प्रताप सिंह यादव और छोटू यादव थे। वहीं विशिष्ट अतिथि विकास थे। सामूहिक विवाह समारोह में मंगलवार को 10 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए। आयोजित समारोह के दौरान सर्व समाज के लोगों ने जोड़ों को उपहार देकर नए जीवन की शुरुआत का आशीर्वाद दिया। दसों दूल्हे बरातियों के साथ कुशवाहा मार्केट पहुँचे। कार्यक्रम में पहुँचने पर सभी अतिथियों ने बारात का स्वागत किया गया। इसके बाद विवाह की रस्में निभाई गयी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथियों द्वारा नव दंपतियों को विवाह का प्रमाण पत्र दिया गया। अंत में भोज एवं उपहार देकर बारात की विदाई की गई। ये विक्रम कुशवाहा प्रधान जी इसके संयोजक हैं और वो प्रतिवर्ष ऐसे साल में 2-3-4 कार्यक्रम कराते रहते हैं और वो अपने सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम कराते हैं। इसमें किसी निधि का कोई सहयोग नहीं है, ये सामाजिक सहयोग है। अपनी तरफ से वो कार्यक्रम भी कराते रहते हैं और हम इसको उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो इस जो ग्रामीण परिवेश है जिन बहू बेटियों की शादी नहीं हो पा रही बहनों की, उनके लिए बिना दहेज के यहाँ सब व्यवस्था सामान से लेके खाने से लेके और सम्मान के साथ उनका विवाह कराने, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर जी, यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे बड़ा ही एक पुराने तरीके से चला आ रहा है, एक सामूहिक विवाह भी हो रहे हैं जहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि आदमी को दहेज प्रथा से मुक्ति मिले। जहाँ पर हमारी आज कंडीशन में देख रहा हूँ कि हमारी कुछ बहन बेटी एक दहेज के खातिर उस चीज का जो है बहुत बड़ा शिकार होती जा रही हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि बेटी बिल्कुल हमारी समाज में बहुत, क्योंकि बेटी के ऊपर दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है, एक तो उसे अपने परिवार की और एक जहाँ ससुराल में जाती है उस परिवार की, दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है। तो हम यही चाहेंगे बेटियाँ आजकल शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर बेटियाँ शिक्षित होंगी तो दोनों परिवारों को अच्छी तरह चलाएंगी और जब बेटी शिक्षित होगी तो वो दहेज के उत्पीड़न का शिकार भी नहीं हो पाएगी। इसमें कुल कितने जोड़े हैं शादी में? 10 जोड़े हैं। थैंक यू सर।